कृषि के क्षेत्र में लाए गए तीन काले कानूनों के विरोध स्वरूप आज करनाल के अंबेडकर चौक पर मर्दानी फाउंडेशन व अन्य युवाओं द्वारा थाली बजाकर विरोध प्रदर्शन किया गया। अंबेडकर चौक पर मौजूद युवाओं ने बताया कि कृषि के क्षेत्र में जो तीन नए कानून लाए गए हैं वह किसान विरोधी हैं। उसी के विरोध स्वरूप पिछले कई महीनों से किसान दिल्ली में धरने पर बैठे हैं। करनाल में भी किसान आंदोलन को समर्थन देने के लिए हर रोज किसी न किसी चौक चौराहे पर रोष प्रदर्शन किया जाता है। उसी कड़ी में आज करनाल के अंबेडकर चौक पर यह रोष प्रदर्शन किया जा रहा है, जिसमें मर्दानी फाउंडेशन के अलावा बड़ी संख्या में किसान व युवा मौजूद रहे। शहर के लोगों को जगाने के लिए एक मुहिम चलाई है, जिसमें हम लोग भी अपनी संस्था की तरफ से आज यहाँ पर पहुँचे हैं और समस्त देशवासियों का और पूरे करनाल शहर का बहुत समर्थन मिल रहा है। सभी लोग हॉर्न बजाकर जा रहे हैं यहाँ से, और मैं सभी लोगों से ये भी कहना चाहती हूँ कि लड़ाई सिर्फ किसान की आप लोगों को नजर आ रही है, लेकिन असल में यह लड़ाई पूरे आम जन की है। और आप लोग किसानों का साथ दीजिए, क्योंकि सरकार जो है वो बिल्कुल बेसुध होकर बैठी हुई है और उसको कोई असर नहीं पड़ रहा है। जब तक हम लोग इकट्ठे नहीं होंगे तब तक इस सरकार को कोई असर नहीं पड़ेगा। आप सबके पास, हम सबके पास एक बहुत बेहतरीन मौका है अपने भाईचारे को, अपनी एकता को बनाए रखने का। जरूरत इसलिए पड़ी कि शहर के लोग इतने व्यस्त हैं, वो वहाँ पर हर समय नहीं जा सकते, आंदोलनों में नहीं जा सकते, तो उन लोगों का समर्थन देना भी बहुत ज्यादा जरूरी है। इसीलिए आज हम लोग यहाँ पर, ये थाली थाली क्यों बजा रहे हो? ये मोदी जी ने सिखाया था कि इसको बजाने से लोगों का समर्थन मिलता है। आज मोदी जी की ट्रिक उनके खिलाफ इस्तेमाल कर रहे हैं और किसानों के समर्थन में इस्तेमाल कर रहे हैं, तो इसीलिए आज हम लोग यहाँ पर ताली लेकर आए हैं। तो आप ये तस्वीरें देख रहे हैं करनाल के अंबेडकर चौक की, यहाँ पर ताली थाली बजाकर किसानों द्वारा विरोध किया जा रहा है। सरकार से मांग की जा रही है कि कृषि के क्षेत्र में लाए गए तीन कानून वापस लिए जाए, और यह कार्यक्रम इनका करनाल के प्रत्येक चौक पर हर रोज किया जाएगा। आप ये तस्वीरें देख रहे हैं, भारतीय किसान यूनियन से जुड़े लोग यहाँ पर हैं और ये पूरा समर्थन कर रहे हैं। जो करनाल के कमेटी चौक पर भी पहले एक कार्यक्रम का आयोजन किया जा चुका है, और अब ये करनाल के अंबेडकर चौक की तस्वीरें आप देख रहे हैं। ताली और थाली बजाकर यह विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है, जिसमें बड़ी संख्या में जागरूक युवा व महिलाएं यहां मौजूद हैं। मैं सन्नी चौधरी, समाचार एक्सप्रेस, करनाल। हाँ जी, किस लिए इकट्ठे हुए हैं, क्या मांग कर रहे हैं? देखिए, जो ये अभियान चलाया, जागरूक अभियान चलाया, कई सहारा कुशेत्तर, यमुनानगर, अम्बाड़ा, उनमें चला हुआ, और हमने इसकी स्टार्टिंग कल से की थी। कल हमारा पहला दिन था, आज दूसरा दिन है। कल कमेटी चौक पे थे, आज अग्रसेन चौक पे हैं। अलग अलग तरीके से डेली करनाल शहर में जागरूक अभियान चलाएंगे, क्योंकि ये आंदोलन जन आंदोलन बन चुका है। इसको स्टार्ट किसानों ने जरूर किया था, लेकिन ये आंदोलन हर जनमानस का, दुकानदार का, व्यापारी का, ऑटो वाला, रिक्शा वाला, छोटा दुकानदार, बड़ा दुकानदार, अड़ती व्यापारी, मजदूर, सबका है। अगर ये तीनों काले कानून लागू तो कर दिया सरकार ने, जिस दिन ये पूरी तरीके से लागू हो जाएंगे ना, जो इंसान खरीद कर खाना खाता है उसके लिए भूखे मरने की नौबत आ जाएगी, क्योंकि हमारा जो भोजन है ना, वो कुछ पूंजीपतियों के हाथों में कैद हो जाएगा। ब्रेकिंग न्यूज, रास बसेरा आपके लिए लेकर आए हैं खास मौका, वो भी हरियाणा सरकार की अफोर्डेबल हाउसिंग योजना के साथ, जिसके तहत आपको मिलेगी 6 लाख रुपए तक की सुविधाओं के रूप में सब्सिडी, जैसे कि फ्री पार्किंग, EDC, IDC फ्री, क्लब चार्जेस फ्री और मेंटेनेंस फ्री, और कोई हिडन चार्जेस भी नहीं। तो आज ही बिना देर किए अपने सपनों का घर बुक कर।